बुरहानपुर जिले में ताप्ती उफान पर है। जिले की सभी छोटी बड़ी नदियां भी रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। ताप्ती का जलस्तर सामान्य से करीब 1 मीटर 3 फीट ऊपर बह रहा है। ये राजघाट स्थित लाल देवल को भी छूने वाला है, जिसे खतरे का निशान कहा जाता है। बाढ़ के बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दरअसल बुरहानपुर ताप्ती का जलस्तर इसलिए बढ़ा क्योंकि बैतूल जिले के चंदोरा डैम के 11 गेट खोल दिए गए। चेतावनी निशान 218 और खतरे का निशान 220.800 मीटर है, जबकि फिलहाल ये राजघाट स्थित लाल देवल को छूने वाला है। ताप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन और होमगार्ड के जवान भी मौजूद हैं ताकि कोई हादसा ना हो। ऐसे में ताप्ती के बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए भीड़ जुटने लगी है, जबकि वहीं जान जोखिम में डालकर लकड़ियां पकड़ने का काम भी जारी है। इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। लगभग दोपहर में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ऊपर बैतूल डैम से 11 गेट खोले गए हैं, तो आज 12 घंटे 14 घंटे बाद में ताप्ती का लेवल बढ़ता है, इसीलिए घाटों पर बल तैनात कर दिया गया है। घाट का और एसडीआरएफ का बल अभी घाट पे लगा हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या है ताप्ती जा रही है? जो भी घाट पे आ रहा है उसे घाट से ऊपर निकाल दिया जा रहा है और घाटों पे आने के लिए लोगों को मना किया जा रहा है और घाटों को खाली करवाया जा रहा है। लोगों को बोला जा रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग मानते नहीं हैं और सख्ती से उनको आदेश देकर बाहर निकाला जा रहा है। हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ताप्ती नदी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ पर हर जितने भी छोटे मोटे घाट है यहाँ से घाट से लकड़ी पकड़ने वाले नहाने वालों को यहाँ से निकाला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर होमगार्ड जवान की पूरी टीम लगी हुई है ताकि कोई यहाँ पर जनहानि ना हो।